Very good morning students. I am your science teacher and today I am teach you science of class 3. And today we continue chapter 5, human body, health and hygiene. And today we discuss part 2. Now see in the book. This is your science book. Science of class 3. Now open chapter number 5. This is chapter number 5, human body, health and hygiene. In part 1, we already discussed our body and some sense organs like eyes, nose and ears. And today we discuss rest sense organs. First is the tongue. See here, this is our tongue. We taste with our tongue. Hum apni tongue se taste karte hain. We can taste sweet, salty, sour and bitter things with the help of our tongue. हम किसी भी चीज़ का टेस्ट अपने टंग से करते हैं. जैसे कौन कौन से टेस्ट हैं, स्वीट यानी मीठा, सॉल्टी नमकीन, सोर खट्टा एंड बिटर मीन्स कड़वा. इन सभी चीज़ों का टेस्ट हम अपनी टंग से करते हैं. इट मीन्स जो हमारी टंग है वो चीज़ों को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है. Now next sense organ is the skin. This is our skin. We feel with our skin. हम अपनी skin से feel करते हैं. Mostly we feel with our fingers because the skin at the tips of fingers is the most sensitive. ज़्यादातर हम अपने finger से हम feel करते हैं क्योंकि हमारे जो फिंगर्स का जो टिप पार्ट होता है यानी कि जो हमारी फिंगर हैं इनका ये आगे का जो पार्ट होता है सबसे आगे वाला टिप पार्ट ये बहुत ही सेंसिटिव होता है. इसलिए हम किसी भी चीज़ को इस पार्ट से टच करके फील कर सकते हैं कि वो चीज़ हीट यानी गर्मी, कोल्ड यानी ठंडा एंड पेन यानी दर्द इसको हम फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन अपनी स्किन की हेल्प से. ऑल सेंस ऑर्गन्स सेंड देयर ओन मैसेजेस टू द ब्रेन थ्रू द नर्व्स. हमारे सभी सेंस ऑर्गन्स मैसेज नर्व्स के थ्रू ब्रेन को भेजते हैं यानी सेंड करते हैं. इफ एनी ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स और द नर्व्स विच इट यूजेस गेट्स डैमेज. अगर हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से कोई भी ऑर्गन या उनसे रिलेटेड जो नर्व्स होती हैं नर्व्स अगर डैमेज हो जाती हैं इट स्टॉप सेंडिंग मैसेजेस तो वो मैसेज भेजना बंद कर देती हैं ब्रेन तक. एंड द ऑर्गन स्टॉप्स फंक्शनिंग और जो ऑर्गन है वो अपना काम करना बंद कर देता है. नाउ नेक्स्ट इज आवर ऑर्गन सिस्टम. ये बच्चे थे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जिनके बारे में हमने अभी स्टडी किया है. अब हम पढ़ते हैं आवर ऑर्गन सिस्टम कि हमारे बॉडी में कई ऑर्गन सिस्टम होते हैं. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम. बच्चों हमारी बॉडी के अंदर कई ऑर्गन सिस्टम होते हैं विच कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन जो अपना अपना अलग अलग काम करते हैं. द वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी आर और हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो हैं फर्स्ट इज द स्केलेटल सिस्टम. सबसे पहला जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है वो है स्केलेटल सिस्टम. अब स्केलेटल सिस्टम क्या होता है. सी हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ स्केलेटन
system. Our body has a framework of about 206 bones. बच्चों हमारी जो बॉडी है वो हड्डियों का एक ढांचा है. देखो इसमें सारी हड्डियां दिखाई दे रही हैं आपको, यानी बोन्स ही दिखाई दे रही हैं. और ये टोटल बोन्स, हमारी पूरी बॉडी में जो बोन्स होती हैं छोटी से लेकर बड़ी बोन तक, वो होती हैं 206. अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं तो आप याद रखेंगे 206 बोन्स. यानी 206 बोन्स से मिलकर हमारी बॉडी का ये फ्रेम तैयार होता है. भगवान पहले हमारी जब बॉडी बनाते हैं तो पहले ये बोन्स का फ्रेम बनाते हैं, उसके ऊपर हमारी जो स्किन है उसका कवर चढ़ा देते हैं और बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स सेट कर देते हैं. तो ये है बोन्स का फ्रेम, इसे कहते हैं हम स्केलेटल सिस्टम. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. ये जो फ्रेम होता है बोन्स का, ये हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द ऑर्गेन्स इनसाइड द बॉडी. और ये बोन्स हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है. द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. तो ये ऊपर की खोपड़ी दिखाई दे रही है आपको, इसे कहते हैं स्कल. तो स्कल किसकी रक्षा करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ब्रेन. तो जो स्कल है वो हमारे ब्रेन की रक्षा करता है. द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. रिब्स देखो ये बीच में ये हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में पसली कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं रिब्स साइंस की लैंग्वेज में. तो ये रिब्स के अंदर देखो, यहाँ ऊपर की साइड हमारा हार्ट होता है और यहीं हमारे लंग्स होते हैं. तो ये जो रिब्स होती हैं ये हमारे हार्ट और लंग्स की रक्षा करती हैं, यानी कि उनकी उनको प्रोटेक्ट करती हैं. इसी तरह से स्पाइन और द बैक बोन होल्ड्स अप द नेक एंड द हेड. इसी तरह से हमारी जो बैक बोन होती है वो हमारी नेक से लेकर उससे पूरी ज्वाइन होती है नेक गर्दन से. इट ऑल्सो लिंक्स ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी. और हमारी जो बैक बोन होती है वो हमारी बॉडी के बाकी के जो बोन्स होती हैं उनसे जुड़ी हुई होती है. टू और मोर बोन्स आर कनेक्टेड एट जॉइंट्स. हमारी बॉडी में बच्चों जहाँ पर जॉइंट होते हैं उस जॉइंट पर टू और मोर बोन्स जुड़ी हुई होती हैं. जॉइंट्स अलाउ अस टू ट्विस्ट और बैंड आवर बॉडी पार्ट्स. हमारी बॉडी में जहाँ पर जॉइंट होते हैं वो जॉइंट हमारी बॉडी को बॉडी पार्ट्स को मूव करने में या बैंड करने में हेल्प करते हैं. जैसे मान लीजिए मेरी फिंगर है, यहाँ पर ये जॉइंट है तो यहाँ से हम इसको ऐसे बैंड कर सकते हैं. यहाँ पर ये जॉइंट है तो यहाँ से हम इसको ऐसे बैंड कर सकते हैं. यहाँ पर जॉइंट है तो हम इसको ऐसे बैंड कर सकते हैं. यहाँ पर जॉइंट है तो हम इसको ऐसे बैंड कर सकते हैं. तो हमारी बॉडी में जैसे आपके घुटने हैं, अगर घुटने पर क्या है जॉइंट, यानी हमारे जो नीज होती हैं, तो यहाँ से हम अपने पैरों को फोल्ड कर लेते हैं, बैंड कर लेते हैं. इसी तरह से हमारे हैंड हैं, यहाँ पे नी एल्बो होती है, एल्बो से हम अपने हैंड को बीच में से ऐसे बैंड कर सकते हैं. तो जो जॉइंट्स हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में और बैंड करने में हेल्प करते हैं. तो ये है हमारा स्केलेटल सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज द मस्कुलर सिस्टम. तो ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है, इसमें मसल्स टुगेदर विद बोन्स हेल्प द बॉडी एंड इट्स पार्ट टू मूव. यहाँ पर देखो बोन्स के ऊपर आप मसल्स हैं, तो मसल्स और बोन्स दोनों मिलकर
बॉडी जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं. बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर. हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो बोन्स से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल अटैच होते हैं, इसलिए बोन्स और मसल्स एक साथ वर्क करते हैं, काम करते हैं एंड फॉर्म मस्कुलर सिस्टम, और दोनों मिलकर मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं. इन ऑर्डर टू मूव अ बॉडी पार्ट द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. जब हमारा कोई भी बॉडी पार्ट्स मूव करता है तो हमारे जो मसल्स होते हैं या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि खिंचते हैं, या फिर रिलैक्स यानी कि रेस्ट पोजीशन में आते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. ये पिक्चर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की. जो भी हम खाते हैं फिर वो खाना हम जब खा लेते हैं उसके बाद हमारे स्टमक में जाने के बाद वो क्या होता है, खाना पचना शुरू होता है, तो उसे कहते हैं डाइजेस्ट होना यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम. द चेंजिंग ऑफ फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. जो फूड हम खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म यानी कि बहुत बारीक फॉर्म में चेंज करना उसे कहा जाता है डाइजेशन. द फूड वी ईट मिक्स विथ सलीवा. जो हम फूड खाते हैं उसमें सलीवा, हमारे माउथ में एक जूस होता है जिसे हम सलीवा कहते हैं, वो उस फूड में मिक्स होता है. जूस प्रेजेंट इन द माउथ, और ये सलीवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है. अब सलीवा को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हमारे माउथ में जब मान लीजिए हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो उसको देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, जिसे हम लार कहते हैं, उसी को हम सलीवा कहते हैं. तो वो हमारे फूड में मिक्स होता है. फूड गोज टू द स्टमक. उसके बाद फूड हमारे माउथ के बाद सीधा स्टमक में जाता है. एंड इट रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अबाउट 4 आवर्स. और ये फूड स्टमक के अंदर 4 आवर्स तक यानी 4 घंटे तक उसी में रहता है. फ्रॉम द स्टमक द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर 4 आवर्स के बाद ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको भेजा जाता है. द फूड इज ब्रोकन इनटू अ सिंपलर फॉर्म बाय डाइजेस्टिव जूसेस. फिर फूड को डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है यानी कि एकदम बारीक बना दिया जाता है लिक्विड की तरह. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब. जब उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है तब वो बहुत बारीक लिक्विड फॉर्म में हो चुका होता है. एंड द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन. और जो अनडाइजेस्ट यानी कि जो बारीक नहीं हो पाता, जो हमारे लिए यूजलेस होता है, उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है. देखिए आपको पीछे दिखाई दे रही है, बीच में जो है ये इस तरह से, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और बाहर की तरफ ये जो आपको देखो दिखाई दे रहा है ये राउंड सा, ये है लार्ज इंटेस्टाइन. तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है यानी कि जो बेकार होता है, यूजलेस, उसे इस बिग लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है. और जो काम का होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है. एंड फाइनली गिव्स आउट टू द बॉडी ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस. और फाइनली यानी कि लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. बच्चों ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, आज के लिए इतना ही. तो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.